मित्रों, क्या कभी आप रात्रि में हरिद्वार गए हैं और वहां गंगा के तट के किनारे बैठकर आपने रात्रि विश्राम किया है और गंगा की कल कल करती मधुर ध्वनि का आनंद लिया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैंने लिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पर उसके पहले आप देख लीजिए कि इस सांस्कृतिक स्थल पर किस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साधु महाराज बैठे हुए हैं। अक्सर गंगा नदी के तटों के किनारे आपको बहुत सारे ऋषि मुनि साधु मिलेंगे। हालांकि यह तो एक मूर्ति थी जो मैंने आपको दिखाई। अब आगे देखिए और महसूस करिए। माँ गंगा का पानी दूधिया रोशनी में एकदम चमक रहा है। गंगा हरिद्वार में ही पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और धीरे धीरे कई सारी धाराएं एकत्रित होकर के गंगा का विशालकाय रूप ले लेती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये एक पहाड़ से नीचे उतर रही हैं गंगा, जिनका पानी धीरे धीरे बह करके नीचे की तरफ जा रहा है और यही पानी बाद में जा करके एकत्रित होता है। यहाँ पर पानी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे गंगा का पानी पहाड़ से उतर करके मैदानों की तरफ पहुँचता है, उसमें थोड़ा बहुत बालू आ जाती है और पानी का रंग एकदम सफ़ेद से हल्का सा बलुआ हो जाता है। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।